आविष्कार फाउंडेशन इंडिया नागपुर जिला शाखा द्वारा आयोजित जागतिक महिला दिवस विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागृह में किया गया। इस मौके पर 6 महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 27 महिलाओं का राज्य स्तरीय सम्मान किया गया। इस मौके पर महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व महापौर कल्पना पांडे, डॉक्टर अशोक काप्टा, आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय पवार, डॉक्टर संजीव चौधरी और दर्जनों महिला सम्मान मूर्ति मौजूद थे। जागतिक महिला दिन पिछले सप्ताह भर से पूरे देश में मनाया जा रहा है। समाज के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी उनका शानदार कामकाज चल रहा है, ऐसी महिलाओं का सम्मान कोल्हापुर के आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय पवार और आविष्कार फाउंडेशन नागपुर शाखा के अधिकारी पदाधिकारी डॉक्टर अशोक काप्टा एवं तमाम सहयोगियों ने महिला जागतिक दिवस का शानदार आयोजन नागपुर में किया। राज्य के अलग अलग शहरों से समाज में अच्छा काम करने वाले, हर क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले तकरीबन दर्जनों महिलाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर नागपुर की पूर्व महिला महापौर डॉक्टर कल्पना पांडे और महापौर दयाशंकर तिवारी मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व महापौर कल्पना पांडे, राष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्णिमा काप्टा, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। सम्मान या लोगों के सामने, समाज के सामने लोगों को लाते हैं उसका सबसे बड़ा काम है, कारण है उसका सबसे बड़ा, कि उस व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाना है हमको। तो महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे जा रही हैं, लेकिन यदि महिलाओं को अप्रिसिएशन मिलता है, उनके अपने लोगों के सामने अप्रिसिएशन मिलता है, तो निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और इसलिए महिलाएँ और आविष्कार दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आविष्कार फाउंडेशन है, ये कोल्हापुर का है, जिनके अध्यक्ष फाउंडर अध्यक्ष है श्री संजय पवार जी। इन्होंने हमको एक अच्छा चांस मिल दिया है, जो हमारे फाउंडेशन है में सबसे पहली बार जो महिलाओं के लिए हम लोग ये पुरस्कार दे रहे हैं वो नागपुर से ही स्टार्ट हो रहा है और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको ही मिला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है गढ़चुरी है, हिंगन घाट है, वर्धा है, भंडारा है, गोंदिया है, यहाँ से सभी महिलाओं को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। इस समाज में हर क्षेत्र की महिला पुरुषों की कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा अव्वल काम कर रही है। आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय पवार महिलाओं का सम्मान हर वर्ष करते हैं। इनका ये सम्मान का कारवा दिन ब दिन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले महिलाओं का सम्मान किया गया। 6 महिलाओं को राज्य पुरस्कार और 27 महिलाओं को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। हर महिला के चेहरे पर आनंद और खुशियां साफ झलक रही थी। इस मौके पर आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय पवार और डॉक्टर अशोक काप्टा, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। बाइट पीटीसी। ये जो हमारी संस्था है आविष्कार फाउंडेशन इंडिया, इस संस्था का नागपुर जो हमारा विभाग है उस विभाग के ओर से जागतिक महिला दिन के अवसर पर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विदर्भ के 5-6 जिले से 30 लोग अवार्डी को हमने चुना है, जिनको हम आज आविष्कार नारी शक्ति पुरस्कार देंगे। हमारे पास जैसे गढ़चिरौली जैसे इंटीरियर एरिया में हमारे पास काफ़ी वुमेन्स आ चुके हैं, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जो मतलब इस इलाके में लोग नहीं जाते, लेकिन आविष्कार ने उनको वहाँ से भी ढूंढ के लाया। और इसलिए उनका सत्कार करने के लिए आविष्कार को इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। इसलिए आविष्कार फाउंडेशन ऐसे लोगों का सम्मान करना यही अपना धर्म और कर्तव्य समझती है। विदर्भ साहित्य संघ से संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।